विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों को टूल किट और प्रमाण पत्र का वितरण गोरखनाथ स्थित उद्योग भवन के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, उपायुक्त उद्योग पूजा श्रीवास्तव, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु अजीत सरिया सहित अन्य उद्यमी और लाभार्थी मौजूद रहे। इस अवसर में मुख्य अतिथि डॉ. राधा मोहन दास ने योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और टूल्स का वितरण किया। योजना में लाभान्वित होने वालों में मोची, लोहार, सोनार, बढ़ई, दर्जी, हलवाई, कुमार, नाई आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम तथा पारंपरिक कारीगरों के विकास के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 24 जनवरी को यूपी दिवस के अवसर पर शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को टूल्स दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल और उपायुक्त उद्योग पूजा श्रीवास्तव ने कहा, सुविधाओं की आवश्यकता भी थी, लेकिन अभी तक इसलिए आवश्यकता है कि आप अपने कौशल को बढ़ाए। जैसे बोले तब जाता ये क्या क्या सीखा थी अभी क्या करोगे सीख के? भारत की सौर शक्ति के द्वारा बनाई गई विभिन्न चीजें
किसी भी क्षेत्र की हो सकती है, वो चादर हो सकती है, वो पल्ले हो सकते हैं, वो मुट्ठी हो सकती है, वो सजावट से युक्त कुर्सियां और पलंग हो सकते हैं। ऐसी ढेरों से हजार सी चीजें थी जो पूरी दुनिया भारत से खरीद करके ले जाया करती थी। विश्वकर्मा जी लोहा नेहा निषाद, क्या सिलाई मशीन सीखे मतलब और आगे का करेंगे अपना, और इसे मतलब घर पे नहीं बैठेंगे और आगे का करेंगे और इसे रोजगार चलाएंगे अपना और क्या। और इस तरह की आपकी हाँ जितनी सारी लड़कियाँ वो सबकी मतलब प्रेरित करेंगे कि हाँ कि आप लोग करिए तो आप लोग का अच्छा ही रहेगा, मतलब आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे और मतलब आप हम खुद ही आगे बढ़ेंगे और मतलब दूसरे लोग लड़के लोग को बोलेंगे आगे बढ़ने के लिए। प्रमाण पत्र दिया गया है, टूल किट्स दिए गए हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया गया है और विभिन्न शासकीय नियमों का और नीतियों का फ़ायदा लेकर कैसे वो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए ऋण की व्यवस्था कर सकते हैं इसके बारे में उनको अवगत कराया गया है। माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार लगातार इस ध्येय पे काम कर रही है। हम देश के नौजवानों को उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको निकालेंगे, उन्हें प्रशिक्षित करेंगे, किसी न किसी व्यवसाय और ट्रेड में उन्हें आगे बढ़ाएंगे, उन्हें धन देंगे, संबल देंगे, संसाधन देंगे और इस योग्य बनाएंगे कि वो अपने आय का साधन खुद पैदा कर सकें, देश के विकास में अपना योगदान कर सकें और नौकरी मांगने के लिए दर दर भटकने की जगह पर दो चार पाँच दस नौजवानों को अपने घर में स्वयं अपने काम में नौकरी दे सकें। उस दृष्टि से आज तकरीबन 250-300 नौजवानों को विभिन्न प्रकार के जो पारिवारिक व्यवसाय होते हैं स्वर्णकार से लेकर के और मोची तक के उन्हें प्रशिक्षित करके आज उपकरण बांटे गए हैं और उनके उत्साह से मुझे लगता है कि ये बच्चे आने वाले समय में स्वयं भी स्वावलंबी होंगे और देश के विकास में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। बाजार उपलब्ध कराने का भी काम किया जाए, काफी उत्पाद होते हैं जो गांव तक जाते हैं। देखिए बाजार तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और अब तो सरकार की योजना में बाजार सम्मिलित है। हमारे पास ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें हम उन्हें अवसर देते हैं कि वो जो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं उन प्रोडक्ट्स को ला करके लॉन्च करें, समाज के सामने रखें और अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को बेच करके उनकी ब्रांडिंग करके आज के युग में एक इतनी बड़ी योजना हम लोगों ने लिया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। देश के उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं हर ज़िले में कोई ना कोई ऐसी परंपरागत चीज़ें हैं जो बहुत सुंदर और बहुत बेहतर हुआ करती थी। हम लोगों ने तय किया कि हम उनको मंच देंगे, उनको बाजार देंगे, उनकी चीज़ों के लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और उस प्लेटफॉर्म पर जब वो चीज़ें आएंगी तो अपने आप पूरे भारत में और पूरी दुनिया में उनकी मार्केटिंग हो सकेगी। हम उसी ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सब सम्मान है, गांव में है, बढ़ाई है, गांव में। मैंने तो स्वयं अभी इन नौजवानों का आग्रह किया कि आपको अकेले काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 बढ़ई यहाँ हैं तो वो मिल करके अपनी एक कंपनी बना सकते हैं। अगर 10 स्वर्णकार यहाँ हैं तो मिल करके अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, अपने ग्रुप की एक ब्रांडिंग कर सकते हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध है वो उन पर डाल सकते हैं।
तो ये नौजवान धीमे धीमे इस रास्ते पर आएंगे, मुझे विश्वास है इसका। प्रदेश सरकार की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के टूलकिट एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का आज हम लोगों ने यहाँ वितरण समारोह रखा था, जिसमें माननीय विधायक सदर जी हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का की मंशा है कि जो बेरोजगार या जो पारंपरिक कारीगर हैं उनके कौशल में कैसे संवर्धन किया जा सकता है और साथ में उनको उन्नत टूलकिट उपलब्ध करा के उनकी जो पोटेंशियल है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसी के कारण जनपद गोरखपुर से 8 ट्रेड चुने गए थे, जिनमें लोहार, दर्जी, बढ़ई, हलवाई, सुनार, कुम्हार, इस तरह के ट्रेड्स थे, जिनके 25-25 व्यक्तियों को प्रशिक्षण उद्यमिता विकास संस्थान की ओर से एवं खादी बोर्ड की तरफ से दिया गया है। और इस प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को 5,000 तक के उन्नत टूलकिट हमारे विभाग जिला उद्योग केंद्र की तरफ से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो मेरी अपेक्षा है कि इस उन्नत टूलकिट को प्राप्त करने के बाद अब ये प्रशिक्षार्थी अपने ज्ञान का कुछ व्यावसायिक उपयोग कर पाएँ और आत्मनिर्भर हो पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल, इस योजना का मेन मतलब मेन मोटिव ही यही है कि जो ये प्रशिक्षण पा रहे हैं, टूलकिट पा रहे हैं, इसके बाद एक क्रेडिट सहायता योजना आएगी। उस क्रेडिट सहायता से वो सिर्फ इन प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए ही होगी। प्रदेश सरकार ने इस साल के बजट में 10 करोड़ का प्राविधान केवल इस योजना के लिए रखा है, तो उनके लिए लोन की व्यवस्था और प्रदेश सरकार की और जितनी लोन योजनाएं अभी चल रही हैं उनके साथ भी इसकी डबटेलिंग की जाएगी, ताकि 50,000 से लेकर के 5 लाख तक, 10 लाख तक जो जिसकी आवश्यकता है, और साथ में इनके मार्केटिंग पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए भी जो योजनाएं ऑलरेडी चल रही हैं उनके साथ इसकी डबटेलिंग की जाएगी। इसकी व्यवस्था योजना में पहले से की जा चुकी है। बिल्कुल, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए जैसे ODOP योजना में टेराकोटा को चुना गया है, तो उनके साथ तो अमेज़ॉन का MOU हुआ था, इसलिए उनका ऑनलाइन मार्केटिंग हो रहा है। पर हमारा प्रयास यह भी है, पर उसके लिए ये ज़रूरी है कि इनकी प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है वो उस योग्य हो कि वो ऑनलाइन मार्केटिंग तक पहुँच पाए। तो पहले हमारा प्रयास ये रहेगा कि इनके प्रोडक्ट की गुणवत्ता उस स्तर की पहुँचे, जैसे सुनारों की है, तो सुनार ऐसी ज्वेलरी बनाए जो ऑनलाइन मार्केट हो पाए। तो अभी थोड़ा समय लगेगा, मगर मेरी पूरी आशा है कि ये प्रशिक्षित लाभार्थी जो हैं ये भविष्य में ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर पाएंगे और इसका निर्यात भी हो पाएगा।